पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर ड्राई वेदर रहा है। अगर हम बात करें मिनिमम टेम्परेचर की, सबसे कम मिनिमम फुलवानी प्लेन्स एरिया में 6.5 डिग्री सेल्सियस, हिली स्टेशन दारिंगबाड़ी में 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, भुवनेश्वर में 12.4 डिग्री सेल्सियस, कटक में 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगर बात करें 24 घंटे में मिनिमम टेम्परेचर के बदलाव की, तो सबसे ज्यादा बदलाव रायगढ़ में +2.4 डिग्री सेल्सियस, पारादीप में 2.2 डिग्री सेल्सियस, थलचर और अनुगुल में 2 डिग्री सेल्सियस का, भुवनेश्वर में 2.4 डिग्री सेल्सियस, कटक में 0.8 डिग्री सेल्सियस का 24 घंटे में बदलाव देखा गया है। अगर हम बात करें सामान्य से मिनिमम टेम्परेचर का डिपार्चर कितना है, तो सबसे ज्यादा डिपार्चर तितलागढ़ का -3.7 डिग्री सेल्सियस, झारसुगुड़ा का -3.5 डिग्री सेल्सियस, भवानीपटना -3.3 डिग्री सेल्सियस, बोलांगी -3.1 डिग्री सेल्सियस, केवंझर में 3 डिग्री सेल्सियस, भुवनेश्वर में -2.6 डिग्री सेल्सियस, कटक में -2.4 डिग्री सेल्सियस। फिलहाल उड़ीसा के ऊपर कोई भी सिग्निफिकेंट वेदर नहीं है अगले 3 दिन तक। उसके बाद इस वजह से अगले 3 दिन तक ड्राई वेदर प्रिवेल होने की संभावना है, और उसके साथ शैलो से मॉडरेट फॉग अगले 3 दिन तक उड़ीसा के कुछ डिस्ट्रिक्ट में होने की संभावना है। 3 दिन बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव के कारण उड़ीसा के कुछ डिस्ट्रिक्ट के 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने, थंडर शावर के साथ होने की संभावना है। और टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर जो रात्रि का मिनिमम टेम्परेचर धीरे धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस तक राइज करने की संभावना है उसके बाद अगले 2 दिन तक। उसके बाद ज़्यादा बदलाव आने की संभावना नहीं है। और रेनफॉल के होते डे 4 यानी 27 तारीख को झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, सबलपुर, देवगढ़, केवंझर में 1-2 जगह पर बारिश होने की संभावना है। और डे 5 28 तारीख को इन जगहों पर नॉर्थ उड़ीसा में होने वर्षा होने की लाइट टू मॉडरेट वर्षा होने की संभावना है।